करने की कोशिश करो, ये एक बेहतर क्वेश्चन है और ये एक आपको अच्छे नॉलेज देके जाएगा ये क्वेश्चन। अब इस नॉलेज के लिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। अब वर्क डन कंपेयर करना है, ये बात ध्यान रखना कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में दोनों में वर्क डन का कंपेरिजन का ऑर्डर बदल जाता है। चलो कंप्रेशन हुआ है तो अब मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ, समझना। ये पी है, ये बी है और ये हम लोग का बी है, ये टू बी मान लेता हूँ। इधर मैं मान लिया पी है और बी है और ये बी और टू बी है। चलो एक बार मैं इन चारों प्रोसेस को बना रहा हूँ एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं एक्सपेंशन के लिए बनाता हूँ, देखो यहाँ से पॉइंट ए से एक लाइन एक प्रोसेस ऐसे खींचा, एक्सपेंड हो गई गैस। एक लाइन में ऐसे खींचा, ए भी एक्सपेंड हो गई। एक लाइन ऐसे खींचा, ए भी एक्सपेंशन है। और एक लाइन में सीधे नीचे खींचा, तो ये फोर प्रोसेस है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडिबेटिक है, तभी तो आप वर्क डन निकाल पाओगे। हम सबको पता है कि पीवी डायग्राम में जो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। यहाँ पे जो वॉल यहाँ पे टू बी से भी ये कंप्रेशन का बना रहा हूँ, तो कंप्रेशन में यहाँ पर चलो एक प्रोसेस ऐसे बना दिया, एक प्रोसेस ऐसे बना दिया, एक प्रोसेस ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, हियर इज द एक्सपेंशन वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। अब हमें चारों प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके वर्क डन कंपेयर कर लो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, देखो प्रोसेस रिजल्ट कंप्रेशन, हमें इस वाले में सबसे अधिक वर्क डन निकालना है। चलो एक कंप्रेशन है, टू बी से वॉल्यूम भी हो गया है। अब यहाँ पर पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस है। देखो ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये है आइसोबेरिक प्रोसेस। ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये। अब हम सबको पता है इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो क्या मैं बताया था कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कौन सा है, स्लोप कंपेयर करेंगे। टेन थीटा जो स्लोप होता है दैट इज आइसोथर्मल में डी पी अपन डी वी इक्वल टू माइनस पी वाई वी, और टेन थीटा जो स्लोप होता है एडियाबेटिक में वो डी पी अपन डी वी माइनस गामा पी वी। दिस इज द स्लोप कॉन्सेप्ट। किसका स्लोप ज्यादा हुआ, एडिबेटिक का स्लोप ज्यादा हुआ। एडिबेटिक स्लोप ज्यादा मतलब, अब स्लोप ज्यादा कैसे कंपेयर करो, किसी पॉइंट पे एंगल ज्यादा देखो, स्लोप ज्यादा मतलब लाइन जो है खड़ी रहेगी यार, स्ट्रेट रहेगी। तो ये इस पॉइंट पर देख रहे हो ये जो लाइन है ये ज्यादा स्ट्रेट है, ज्यादा स्ट्रेट है और ये ज्यादा हॉरिजेंटल होने वाली है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो किसी पॉइंट पे डॉट 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 लाइन खींच लो और एंगल बना लो इस पॉइंट पे, फिर एंगल कंपेयर कर लो, ये गया ये एंगल, ठीक है। इस पॉइंट पे एंगल बनाओगे, इस पॉइंट पे एंगल बनाओगे तो इधर कहीं जाएगा जो कि बहुत ही कम आएगा, ये एंगल ज़्यादा आएगा। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो प्रोसेस है, इनका नाम दे देते हैं यार, बिना नाम के अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये जो इसका स्लोप ज़्यादा है इसका स्लोप कम है, देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल होने चाह रही है, हॉरिजॉन्टल हो ऐसे। अब जो ऐसे होगी वो तो स्लोप ज़्यादा होगा, जो ऐसे होगी उसका स्लोप कम होगा, और बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ये वाली प्रोसेस, तो इसमें तो स्लोप जीरो है, आ रहा ना स्लोप कॉन्सेप्ट में। अब चलो तो ये बात कन्फर्म हो गया, ये बात हमने क्लियर कर दिया, इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, पूरा लिख दूं आइसोथर्मल एडियाबेटिक। अब कंपेयर कर लो वर्क डन, वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व है। अब इसका एरिया जो है ये एडियाबेटिक का एरिया देख रहे हो, इसमें तो वर्क डन जीरो हो गया, आइसोकोरिक में ये तो कोई एरिया ही नहीं कवर करेगा, तो इसका वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो गया।
जो फोर्थ वाला प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया आ जाएगा नीचे का पूरा एरिया। तो वर्क डन जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ में वर्क डन सबसे अधिक है। सबसे कम वर्क डन है किसमें? पहले वाले में। ये हम इन दोनों में वर्क कंपेयर कर लो, ऑब्वियसली ये जो है वो एरिया कम है और इसके ऊपर है तो ये एरिया ज्यादा है। तो अगर ये एरिया ज्यादा है तो आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होगा, एडियाबेटिक में कम होगा। तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, मतलब थर्ड का वर्क डन ग्रेटर होगा सेकेंड से। तो सबसे मैक्सिमम वर्क डन होगा फोर्थ वाले प्रोसेस में, ऐसा तब होगा जब एक्सपेंशन होगा। अब हम बात करेंगे कंप्रेशन में, जो हमें चाहिए यार। कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम आधी हो गई, बी से टू बी। अब कंप्रेशन वाले में यहां पे क्या कभी इसमें वर्क डन होगा? ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है? आइसोकोरिक। इसमें वर्क डन गया W10। इसमें वर्क डन सबसे कम है, ये एरिया नीचे का एरिया। W2 में वर्क डन मिनिमम है, सबसे कम तो इसमें होगा। आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है प्रेशर। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में ये देखो ऊपर वाला ज्यादा सीधा है भाई, ये ऊपर वाला ज्यादा सीधा है तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये एडियाबेटिक हो गया और ये आइसोथर्मल हो गया। यहाँ का जस्ट उल्टा इधर आ जाएगा। तो ये टू, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो ऑब्वियसली जो वर्क डन है वो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा है इसमें, और थर्ड क्या है? एडियाबेटिक है। और ये एरिया आ जाएगा ना यार पूरा, ये एरिया। और जो आइसोथर्मल है उसमें कौन सा एरिया आएगा? ये एरिया आएगा। जो हम लोगों के पास वर्क डन W2 है, इसमें एरिया ये आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट होता है। तो एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क डन है यहाँ पर। तो फाइनल सोल्यूशन इज दैट सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।